हाय, मैं हूँ आपका दोस्त। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज ये हम आपके सामने जो बाइक लाया है ना, देखिए यही, सुनिए, देखिए नहीं सुनिए, प्रॉब्लम क्या है इसकी। जी हाँ, यही प्रॉब्लम है जो आप सुन रहे हो। इसके जो इंजन के क्रैंक के आवाज आ रहे ना, खुर्र खुर्र, देखिए वही इशू है। और जब मैं हीरो के जेन्युइन वर्कशॉप पे गया था तो उन्होंने मुझे इसका बेलना ठीक कराने का 10,000 बोल दिया था। तो मैंने सोचा इसका कोई चीपेस्ट जुगाड़ लगाते, सस्ते में हम काम करा और आपका कोई फ़ायदा ना हो, ऐसा हो सकता है। तो मैंने सोचा आपका भी फ़ायदा करा दे। देखो ये जगह, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने करिश्मा की बॉडी किट इंस्टॉल की थी और मुझे ढेर सारे मैसेज आए थे कि कहाँ से डाला वो सब पार्ट्स। तो इस जगह पर वीडियो चाहते हो आप, एक स्पेशल चाहते हो तो कमेंट करिए नीचे, मैं ज़रूर इस जगह पे एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। तो मैं वापस वही आ गया, उसी जगह, अपने उस हीरो को ठीक कराने जिससे होंडा अलग हो गया। तो अभी अपनी बाइक का ना इंजन खोल रहा है। अभी इंजन खोलने के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या इशू है। लेकिन हमारे ये जो मैकेनिक साहब है ना, इन्होंने कहा है हमें कि इंजन की क्रैंक केस की जो बेयरिंग है वो चली गई होगी और थोड़ा बहुत प्ले आ गया होगा। तो ज़्यादा मतलब उन्होंने खर्चा जो है ना पहले ही बता दिया, और इतनी ज़्यादा सस्ती डील मिली है ना, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा पैसे बचे हमारे। बताऊंगा वीडियो में, बताऊंगा वो चीज़ में आपको डिटेल में। सब रखिए, ऐसा कि साइंटिस्ट जिनके सामने फेल हो, ऐसे हमारे मैकेनिक साहब लगे काम करने। तो देखिएगा वो क्या क्या कैसे कैसे काम करें। ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं मुझे अंदर का, तो देख लीजिएगा जो जो आपको दिख रहा है। बहुत ज़्यादा छोटी सी वीडियो बनाई, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पाप लगेगा, पाप के भागीदारी मत बनना। समझ में, बताता हूँ पूरी प्राइस कितने में पड़ाई है हमें डील। देखिए पूरा इंजन तो रिस्टोर नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि सिर्फ एक क्रैंक जो शाफ्ट रहता ना, क्रैंक शाफ्ट, उसी की प्राइस 3,500 रहती है जब हम ओरिजिनल डालते। तो देखिए जब भी अगर किसी बाइक का इंजन ये खोल देते ना ऐसे, तो उसी का कॉस्ट 1,000 से 1,500 पड़ जाता है। फिर भी हमें इन्होंने है ना डील कितने की दी जानते हो आप, 3,000 में पूरा सब ये हमें रिस्टोर करने का बता दिया इन्होंने, जैसे कि जो बेयरिंग गई थी क्रैंक केस की, ठीक है, और भी थोड़े मोटे मतलब छोटे मोटे पार्ट थे वो जो गए थे नॉर्मल वाले। क्रैंक शाफ्ट तो सही था, उसका एक थोड़ा सा पार्ट था उसमें मतलब थोड़ा प्ले आ गया। अगर मैं ये सब ठीक कराने अथोराइज वर्कशॉप में जाता हीरो के, तो उसने मुझे 10,000 का एस्टिमेट दिया है, तो उसकी जगह वो 11 का बिल बना के देता। वो ऐसा नहीं होगा कि 10,000 का एस्टिमेट दिया तो वो कम कर देगा ना, वो ऐसे हमें बताएगा भी नहीं कि ये छोटे मोटे पार्ट गए, चलो ये ठीक है तो रख दो, ये बदलो, वो सब बदल देता, बात खलास, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बाहर से काम किया तो मेरा सब अभी अच्छा ही हो गया है। मैंने ये जस्ट एक 3,000 का गेम खेल दिया है। अब बाइक बनी तो बनी, वरना गई तेल लेने। लेकिन इससे मेरा भले नुकसान हो, फ़ायदा तो होगा ही आपका, क्योंकि आपको मैं रिव्यू बताऊंगा कि ये अभी चल रही कि नहीं, अच्छे से मुझे रिजल्ट मिला है कि नहीं। आगे मैं यूज़र रिव्यू ज़रूर दूंगा, तो आपको तो पता चलेगा ना कि बाहर जाने के बाद हो गया मेरा काम सही से या नहीं। तो आपको ये काम करना है आगे या नहीं करना है, तो देखते रहिएगा। अच्छे से लगे हुए ये काम, तो मुझे इनका बहुत सही लग रहा है, लेकिन चलिए देखेंगे। वो भी फटाक से तो समझ में नहीं आएगा, 3-4 महीने बाद ही पता चलेगा मुझे कि कैसे चल रही है। तो देखिए फाइनली ना ये जो बाइक का काम हो चुका है मेरे पूरा, और अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये जो वीडियो है, मैं अभी बाइक चला के इसको 4-5 महीने हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, तो इसका मैं रिव्यू है ना नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ये बाइक में बनी हुई उसका साउंड कैसा आ रहा है, ये देखो, ये पहले का ही, ये सब फुटेज पहले की है। तो ये बाइक बना के मुझे 4-5 महीने हो चुके हैं, ये समझ लो, और बाइक बहुत अच्छी चल रही है। अभी देखो ये सब है ना पुरानी फुटेज है, ये तब की फुटेज है 4-5 महीने पहले की, जब हमारी बाइक कुर-कुर आवाज़ कर रही थी और हम उसे ठीक कराने गए थे। तो अभी देखेंगे, देखिए नेक्स्ट मतलब अभी ये जो संडे आने वाला है, इसमें न्यू वीडियो आएगी कि बाइक ने मतलब कैसा मुझे रिजल्ट दिया है। इस बाइक का माइलेज टेस्ट भी हम करेंगे कि इंजन हमने जब बिल्ड किया उसको रिस्टोर किया है उसके बाद हमें कैसे परफॉर्मेंस मिला है। तो बाइक तेल लेने गई या तेल लेके आई ये पता चल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।